हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थोड़ा सा मैं आपको रीकैप दे देती हूँ। जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हम लोग खजियार गए थे, और खजियार से हम लोग सेम डे ही वापस आ गए थे डलहौजी की तरफ। तो डलहौजी में अब हम थोड़ा सा आराम करके हम लोग जा रहे हैं ये मार्केट के रास्ते। भीड़ देखिए भाई साहब, क्या तगड़ी भीड़ हो रही है। इतनी जनता आई हुई थी कि पूछो मत। मतलब ऐसा लग रहा था सारे डलहौजी में ही सारी जनता आ गई है। मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ सारे चढ़े पड़े हैं, एक के ऊपर एक चढ़े पड़े हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी आए हुए हैं और मेरी मासी भी आई हुई थी बॉम्बे से, और मेरे मतलब हस्बैंड उनके मासी के। तो हम लोग उनके होटल की तरफ जा रहे हैं। तो ये सरप्राइज से मेरी मदर को पता था, मम्मी को पता था, पापा को भी पता चल गया मेरे बस जैसे तैसे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल 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 उनके होटल की तरफ। तो अब हम यहाँ से इधर ना मासी और अंकल को सरप्राइज़ देंगे। और ये देखो मेरी मम्मी यहाँ पे छुप के खड़ी हैं, यहाँ पे खड़ी हुई हैं। अब हम जा रहे हैं अंकल और मासी को। हमने सोचा था हम लोग ना नॉक करके बोलेंगे रूम सर्विस, रूम सर्विस, बट हुआ क्या, वो लोग अपने रूम के बाहर ही खड़े थे। वो लोग एक्चुअली देख रहे थे यहाँ पे क्या क्या जगह है घूमने वाली। मेरी मासी का रिएक्शन बहुत एपिक है। मासी ने क्या रिएक्ट किया, मासी को लगा कि कोई खड़ा है पीछे। ये अंकल है और ये मासी और ये होटल वाले अंकल है जिनसे पूछ रहे हैं। मासी कह रही मुझे लग रहा था कि कोई ना मेरे पीछे खड़ा है, पर ये क्यों खड़ा है ये समझ नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा टाइम होता तो फिर आप आराम से जा भी सकते थे पैदल, वहां से भी आपको पैदल चलना है। यही कह रहे हैं हमारे ड्राइवर भैया। नमस्ते रूम सर्विस। पानी यहाँ पे मिल गया। आपने पहली बार मिला ना, वो कैसे।